In the last class, we were discussing about the non-verbal communication. और non-verbal communication में हम discuss कर रहे थे physical space. तो during the communication, एक non-verbal component जो बहुत अहम होता है वो होता है how much space have you created while communicating. तो communication के दौरान एक particular space है, वो भी जो है एक importance रखता है. अब ये स्पेस ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन वेरी करता है कल्चर टू कल्चर. जैसे कि नॉर्दर्न यूरोपियन कल्चर है, अमेरिकन कल्चर है, तो ये वेरी करता है कल्चर टू कल्चर कि हाउ मच डिस्टेंस एंड हाउ मच स्पेस डू यू क्रिएट ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास जो नेक्स्ट वन है वो है इमेज, और इमेज के अंदर जो है हम बात करते हैं व्हाट वी यूज थिंग टू कम्युनिकेट. दिस कैन इन्वॉल्व एक्सपेंसिव थिंग, नीट और मैसी थिंग, फोटोग्राफ्स, प्लांट, एक्ट. वी यूज क्लोथिंग एंड अदर डायमेंशन ऑफ फिजिकल अपीयरेंस टू कम्युनिकेट अवर वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन. जो फिजिकल गुड्स होती हैं, जो एग्जिस्टिंग गुड्स होती हैं, उनकी जो अपेयरेंस होती है, उनकी जो लुकिंग होती है, वो भी जो है हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, कि उनके इमेजेस, उनकी डायमेंशन. तो ये जो है हमारे लिए एक इन्फ्लुएंस रखते हैं व्हाइल रिसीविंग द मैसेज, व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर द यूज ऑफ द गेस्चर्स, मूवमेंट, मटीरियल, थिंग एंड स्पेस कैन क्लेरिफाई और कन्फ्यूज द मीनिंग ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्पोनेंट्स के अंदर गेस्चर्स, मूवमेंट, मटीरियल, स्पेस, ये वो फैक्टर हैं कि अगर ये वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेट ना करें, वर्बल कम्युनिकेशन से मैच ना करें, वर्बल कम्युनिकेशन के अपोजिट हो जाए, तो कम्युनिकेशन के अंदर जो है कंफ्यूजन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, और कहा जा रहा होता है कुछ और समझा जा रहा होता है कुछ. तो ये जो गेस्चर्स हैं ये रेलिवेंट होने चाहिए, ये मैच करने चाहिए कम्युनिकेशन वर्बल अर्थ से. मूवमेंट भी रेलिवेंट होने चाहिए, मैच करने चाहिए वर्बल कम्युनिकेशन से, और जो मटेरियल और जो स्पेस आप क्रिएट कर रहे हैं ये तमाम. Non-verbal causes can play five role. Repetition. Non-verbal communication से जो है five causes create हो सकती हैं जो communication को मुतासिर कर सकती हैं. इसमें first one है repetition. They can repeat the message the person is making verbally. तो एक पहला जो factor है वो है repetition का, कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बुनियाद पर आप अपने मैसेज को रिपीट कर सकते हैं ताकि रिसीवर की जो है अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो सके और रिसीवर मैसेज को सही तरीके से समझ सके. कंसिडरेशन, दे कैन कंडक्टेड मैसेज द इंडिविजुअल इज ट्राइंग टू कन्वे. जब कोई कम्युनिकेटर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सहारा नहीं लेता, तो ऐसे में रिसीवर की जो कंसिडरेशन है वो बहुत वीक हो जाती है, और इससे उसकी अंडरस्टैंडिंग मुतासिर होती है और कम्युनिकेशन अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाती, इसे पुअर कम्युनिकेशन कहते हैं. और जब कम्युनिकेटर या सेंडर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन नॉन वर्बल टूल्स को एफेक्टिवली यूटिलाइज करता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि रिसीवर की जो कंसिडरेशन है वो मैक्सिमम लेवल पे बढ़ जाती है और इससे उसकी अंडरस्टैंडिंग में भी इजाफा हो जाता है. सब्स्टिट्यूशन, थर्ड हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन. दे कैन सब्स्टिट्यूट फॉर अ वर्बल मैसेज. फॉर एग्जांपल, अ पर्सन आई कैन ऑफन कन्वे अ फार मोर विड मैसेज देन वर्ड्स एंड ऑफन डू. अक्सर रिसीवर जब आपकी वर्बल कम्युनिकेशन को रिसीव करने में कोई बैरियर या कोई रुकावट का सामना कर रहा होता है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एज ए सब्स्टिट्यूशन, यानी मेजॉरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसकी डिपेंड कर रही होती है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे,
और ड्यू टू इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो आपके वर्बल मैसेज को भी अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में आ जाता है। तो अक्सर जो है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू वर्बल कम्युनिकेशन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में। कम्प्लीमेंटिंग फोर्थ हमारे पास है, कम्प्लीमेंटिंग दे में एड टू और कम्प्लीमेंट अ वर्बल मैसेज। अ बॉस हु pats a person on the back in addition to giving praise can increase the impact of the message. अक्सर जो है हम complimenting के तौर पर जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूटिलाइज करते हैं और ऐसे में हम जो है विदाउट एनी वर्बल कम्युनिकेशन अपने ऑब्जेक्टिव को ज्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर लेते हैं। अनदर वर्ड sometimes we use just non-verbal communication instead of verbal communication and achieve a good result. इसकी example है कि अक्सर manager अपने subordinates को appreciate करने के लिए बजाय कुछ अल्फाज की अदायगी करने के सिर्फ और सिर्फ उसके shoulder या उसकी जो है back को थपथपाता है और इससे क्या होता है कि उसकी motivation level में इजाफा हो जाता है। Fifth हमारे पास है assenting. A non-verbal communication may accept or underline verbal message. Pounding the table, for example, can underline a message. Non-verbal communication may accept it or underline the verbal message, and pounding the table, for example, can underline the message. अक्सर औकात verbal communication की सपोर्ट करने के बजाय मेजर रोल प्ले कर रही होती है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वो ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन की क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग जो है स्ट्रांग होती है और जिससे हमारा रिसीवर हमारे मैसेज को सही तरीके से रिसीव कर लेता है। स्किलफुल कम्युनिकेटर्स understand the importance of non-verbal communication and use it to increase their effectiveness as well as use it to understand more clearly what someone else is really saying. जो skillful communicators होते हैं, जो communication की maximum skill रखते हैं, वो non-verbal communication को maximum use करते हैं ताकि उनकी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस में इजाफा हो सके और अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी में इजाफा हो सके और रिसीवर उनके मैसेज को विदाउट एनी हर्डल अचीव कर सके। अ वर्ड ऑफ वार्निंग नॉन वर्बल कॉजेस कैन डिफर ड्रामेटिकली फ्रॉम द कल्चर टू कल्चर। अक्सर लोग वार्निंग देते वक्त नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके अंदर चेंजेस आती है और ये वेरी करती है कल्चर टू कल्चर। Now come towards positive feedback. अब यहाँ पर जो हमारे पास है next topic वो है positive feedback. और positive feedback वो feedback जो receiver after receiving the message, after understanding the message, after development of concept reply देता है वो हमारे लिए sender के लिए जो है feedback होता है। और कम्युनिकेशन की क्वालिटी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस का अंदाजा रिसीवर के फीडबैक से लगता है कि हाउ मच आर यू सक्सेसफुल इन योर कम्युनिकेशन। कि आपने जो कम्युनिकेशन की है उसमें आपके सक्सेस का लेवल क्या है। जितना पॉजिटिव फीडबैक होगा उतनी कम्युनिकेशन की सक्सेस की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी और जितना नेगेटिव फीडबैक होगा उतनी कम्युनिकेशन के पुअर होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। Positive feedback, I don't know how to turn his performance around. He never used to have this attendance problem and his work used to be as good. I don't know why this is happening and what to do. एक example है कि अगर positive feedback दिया जा रहा है और ऐसे में performance around how to turn his performance around. Her never used to have this attendance problem.
and his work used to as good as I don't know why this is happening and what to do. जब कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस से डिससेटिस्फाई होता है और वो ऐसे में उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहता है, तो ऐसे में जो उसकी उस टाइम पे कम्युनिकेशन होती है उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है और ड्यू टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब हो सकता है. दिस सुपरवाइजर इज स्ट्रगलिंग विद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट yet trickiest and most difficult management tasks, providing constructive and useful feedback to other. Jitna zyada constructive aur jitna zyada useful feedback hoga others ka, utna hi zyada quality of communication ki surety level badh jayegi. Aksar subordinate ki performance weak ho jati hai unke superior ki poor communication ki wajah se, और ये पुअर ऑफ कम्युनिकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मुतासिर कर सकता है. तो हमें सही सूरत में जो यूज करना चाहिए वो कंस्ट्रक्टिव एंड यूजफुल फीडबैक. इफेक्टिव फीडबैक इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस. पीपल मस्ट नो वेयर दे आर एंड वेयर टू गो नेक्स्ट इन टर्म ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड goals, your their own and they organize the organization. Effective feedback जो है लाजमी तौर पर एक बुनियाद होता है किसी भी organization की performance की effectiveness की, और लोगों को लाजमी तौर पर जो है लोग during the communication expectation रखते हैं कि जो communicator जो sender है वो स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैक्सिमम लेवल पे होगा और जिसकी बुनियाद पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और वो एक बेहतर फीडबैक देने में कामयाब हो जाएंगे. पॉजिटिव फीडबैक. लैक ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज लाइक सेंडिंग पीपल आउट ऑन अ डेंजरस हाइक विदाउट कंपास. दिस इज स्पेशली true in today fast changing and demanding workshop. Jis communication mein less constructive feedback hota hai us communication mein sending people jo hai wo bahut zyada ek khatre mein dangerous feel karte hain aur unka jo hai understanding towards the success of communication jo hai clear nahi ho pati. ये कंडीशन जो है आज के दौर में जो है वर्कशॉप और सेमिनार के जरिए हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि कम्युनिकेशन के अंदर आने वाले इस टाइप की वीकनेस को इम्प्रूव किया जा सके. पॉजिटिव फीडबैक. हाउ टू डू इट. हम कैसे पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं. मेंटेनिंग अ हाई डिग्री ऑफ फीडबैक थ्रू आउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस. Feedback is a constant and barometers to let you know if the same one that you imply are receiving. Maintaining a high degree of the feedback throughout the communication process. Feedback is a constant barometer to let you know if the message you are sending is same one that your employee are receiving. To get feedback, it is far more effective to ask open-ended questions such as how would you approach this और वॉट क्वेश्चन डू यू हैव. सबसे ज्यादा जो आइडियल कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव फीडबैक की, जब कम्युनिकेटर ज्यादातर यूज करता है ओपन एंडेड क्वेश्चन और वो सिंपली पूछता है कि हाउ वुड यू अप्रोच दिस और वॉट क्वेश्चन डू यू हैव. जब आप क्वेश्चन की अपॉर्चुनिटीज अपने रिसीवर को देते हैं तो रिसीवर बाय द हेल्प ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज इस पोजीशन में आता है कि वो अपनी कंस्ट्रक्टिव और वो अपने पॉजिटिव फीडबैक को
एलुस्ट्रेट कर सके। और ये फीडबैक जो है किसी भी सेंडर के लिए इम्प्रूवमेंट का जरिया बनता है, और इन द लाइट ऑफ दिस फीडबैक वी कैन इम्प्रूव अवर स्किल टूवर्ड्स द कम्युनिकेशन। पॉजिटिव फीडबैक, हाउ टू डू इट, पॉजिटिव क्वेश्चन एंड आंसर अप्रोच, हेल्प क्रिएट एन एटमोस्फियर इन विच आस्किंग क्वेश्चन इज एंटायरली एक्सेप्टेबल, इन एडिशन योर बिहेवियर डेमोस्ट्रेट सम प्रोडक्टिव फीडबैक टेक्निक्स एंड दिस कैन हेल्प यू एम्प्लॉय लर्न एंड अप्लाई देम। एक ऐसी कोऑपरेटिव एटमोस्फियर जिसमें फ्रीली इंडिपेंडेंटली तमाम पार्टिसिपेंट को ये अथॉरिटी हासिल हो कि वो एक दूसरे से विदाउट एनी हेजिटेशन क्वेश्चन और आंसरिंग कर सकते हैं, और ऐसा बिहेवियर जो डेमोंस्ट्रेट करता है प्रोडक्टिव फीडबैक टेक्निक्स, और वो एनवायरनमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज या कुलीग्स या वर्कर के दरमियान हेजिटेशन लेवल इंक्रीज होता है, और अक्सर वो वैल्यूएबल फीडबैक को उस तरीके से शेयर नहीं कर पाते जिस तरह उन्हें करना चाहिए, और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज वीक हो जाती है। पॉजिटिव फीडबैक डेवलप योर स्किल्स इन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, किस तरीके से आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में। फीडबैक टैप्स बेसिक ह्यूमन नीड्स टू इम्प्रूव टू कम्पीट टू बी एक्यूरेट पीपल वॉन्ट टू बी अ कम्पिटेंट। एक जो बुनियादी तौर पर एक अहम चीज होती है कि कोई भी शख्स चाहे कितनी स्किल इन्हेंस कर ले, कितनी अपनी कॉम्पिटेंसी में इजाफा कर ले, लेकिन उसका कोई भी स्टेज लास्ट स्टेज नहीं होता, उसे कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है, और कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट के लिए उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है एक कंस्ट्रक्टिव और क्लियर फीडबैक की। तो ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक एक वेल कॉम्पिटेंट पर्सन कैन इम्प्रूव देयर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन फ्यूचर। फीडबैक कैन बी रीइंफोर्सिंग इफ गिवन प्रॉपरली, फीडबैक इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अप्रिशिएटेड and motivated people to improve. Feedback jo hai in reinforcing if give properly feedback almost appreciated and motivated people to improve. Jab kabhi receiver, jab kabhi audience ek constructive or positive feedback dete hain to ye jo hai ek motivation ka sabab banta hai speaker aur sender ke liye, aur wo on the basis of this feedback apni skills ko improve karne mein kamyab ho jata hai. Develop your skill in constructive feedback. Be aware of many reasons why people are hesitant to give feedback. सबसे पहले तो आपको वो reason जानने की जरूरत है, जो reason सब वो causes जो के hurdle create करती हैं लोगों के दरमियान while delivering feedback. वो कौन से reason है जिनकी वजह से hesitation create होती है? इस हेजिटेशन को रिमूव किए बगैर आप वैल्यूएबल फीडबैक हासिल नहीं कर सकते। इट इज़ अ क्रिटिकल डेट वी रियलाइज हाउ क्रिटिकल फीडबैक कैन बी एंड ओवरकम अवर डिफिकल्टीज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी वेरी रिवॉर्डिंग, बट इट रिक्वायर स्किल, अंडरस्टैंडिंग, करेज एंड रिस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स। एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के ज़रिए आप अपनी कम्युनिकेशन की डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन की क्वालिटी में इजाफा कर सकते हैं, और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी रिस्पेक्ट और आप अपने एक इमेज डेवलप कर सकते हैं जो कि एक एक्सेप्टेंस पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
Why supervisors are often relationship to provide the feedback? सुपरवाइजर एक ऐसा अपने वर्कर के साथ रिलेशनशिप क्यों डेवलप करते हैं जिससे उनको फीडबैक फ्रीक्वेंटली मिल सके? फियर ऑफ द अनदर पर्सन रिएक्शन, पीपल कैन गेट वेरी डिफेंसिव एंड इमोशनल व्हेन कन्फ्रंटेड विद द फीडबैक एंड मैनी सुपरवाइजर आर वेरी फियरफुल ऑफ द रिएक्शन. अक्सर सुपरवाइजर जो है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा ये प्रेशर होते हैं कि अगर फीडबैक जो है नेगेटिव आया तो वो नेगेटिव फीडबैक उनके लिए जो है उनकी पोजीशन को रिड्यूस कर सकता है. अदर पर्सन रिएक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव फीडबैक हो सकता है, पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है, एंड पीपल गेट वेरी डिफेंसिव एंड इमोशनल. और आपको ड्यूरिंग द रिसीविंग फीडबैक अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना चाहिए ताकि अगर फीडबैक नेगेटिव हो तो आप उस फीडबैक को इम्प्रूव करने की पोजिशन में हो सके एज बजाय इसके आर्गुमेंट के. द फीडबैक मे बी बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव फीलिंग एंड द सुपरवाइजर मे बी अनएबल टू गिव कंसंट्रेट इंफॉर्मेशन इफ द अदर पर्सन क्वेश्चन द बेसिस फॉर द फीडबैक. फीडबैक की जो अक्सर बुनियाद होती है वो सब्जेक्टिव बेस होती है और सुपरवाइजर जो है उस इंफॉर्मेशन और उस फीडबैक को क्वेश्चन के जरिए हासिल कर सकता है इन द शेप ऑफ आंसर. द इंफॉर्मेशन ऑन विच द फीडबैक इज बेस्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल मे बी वेरी फ्लॉड प्रोसेस एंड द सुपरवाइजर मे नॉट टोटली ट्रस्ट द इंफॉर्मेशन. द इंफॉर्मेशन ऑन विच द फीडबैक इज बेस्ड, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो फीडबैक से रिलेटेड या फीडबैक की बुनियाद पर हासिल हो रही है, परफॉर्मेंस अप्रेजल मे बी वेरी फ्लॉड प्रोसेस. और एक सुपरवाइजर जो है टोटली उस रिप्लाई या उस फीडबैक के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, उसे फर्दर क्लैरिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है. अदर फैक्टर मे गेट द वे ऑफ इफेक्टिवनेस फीडबैक सेशंस. डिफेंसिवनेस, डिस्टॉर्टेड प्रैक्टिसेस गाइड, गिल्ड प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंस, डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द पास, मिसरीडिंग ऑफ बॉडी लैंग्वेज टोन, नॉइज ट्रांसमिशन, अनरिलायबल मैसेज, इनकंसिस्टेंसी, रिसीवर डिस्ट्रक्शन, सेलेक्टिव हियरिंग, इग्नोरिंग नॉन वर्बल कॉजेस, पावर स्ट्रगल्स, लैंग्वेज डिफरेंट लेवल्स ऑफ मीनिंग, सुपरवाइजर हेजिटेशन टू बी कैंडिड, अजम्पशन ईजी अज्यूमिंग अदर सी सिचुएशन सेम एज यू हैज सेम फीलिंग एज यू, डिस्ट्रक्शन सोर्सेस, इनोमेरियस ट्रांसलेशंस, वैल्यू जजमेंट, स्टेट ऑफ माइंड, हाउ पीपल टू. ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन जो है बहुत ज्यादा एक डिस्ट्रक्शन और गिल्ट क्रिएट होती है और इस गिल्ट की जो रीजन होती है वो होती है डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द पास्ट. क्या आपका पास्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड कम्युनिकेशन क्या है? मिसरीडिंग ऑफ द बॉडी लैंग्वेज और टोन. अक्सर जो है हम बॉडी लैंग्वेज यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और टोन को जो है गलत समझते हैं जिससे सेंडर के दिए गए मैसेज का जो रिप्लाई ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिसकंसेप्ट और कंफ्यूजन क्रिएट करता है. और ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन नॉइजी ट्रांसमिशन, और अगर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन नॉइज इन्वायरमेंट हो तो ये भी कम्युनिकेशन की क्वालिटी को मुतासर करता है. और रिसीवर डिस्ट्रक्शन, सेलेक्टिव हियरिंग, इग्नोरिंग नॉन वर्बल कॉजेज. और अगर रिसीवर जो है उसकी रिसीविंग कैपेबिलिटी वीक है और वो इग्नोर कर रहा है नॉन वर्बल कॉजेज को तो ये भी कम्युनिकेशन की जो है क्वालिटी को रिड्यूस करता है. पावर स्ट्रगल्स, अगर पावर स्ट्रगल्स नहीं है तो भी कम्युनिकेशन की क्वालिटी रिड्यूस होगी. लैंग्वेज डिफरेंट लेवल ऑफ मीनिंग्स. ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन उन अल्फाज और उन वर्ड्स का इस्तेमाल जिनके मीनिंग में कॉन्फ्लिक्ट हो,
जिनके डिफरेंट मीनिंग हो। ऐसे वर्ड्स कम्युनिकेशन के अंदर जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और सेंडर की तरफ से मैसेज के मीनिंग्स कुछ और होते हैं, रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग कुछ और होती है। इसके अलावा डिफरेंट अजम्पशन अज्यूमिंग अदर एंड सिचुएशन सेम एज यू सेम और फीलिंग एज यू। रिसीवर और सेंडर की अजम्पशन चेंज हो सकती हैं, रिसीवर और सेंडर की फीलिंग चेंज हो सकती हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन की क्वालिटी मुतासिर हो सकती है। ये वो तमाम रीज़न हैं जिनके बुनियाद पर हम कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव हासिल करने में नाकाम हो सकते हैं। अदर फैक्टर मे बी गेट इन द वे ऑफ इफेक्टिव फीडबैक सेशंस। पार्ट ऑफ द फीडबैक प्रोसेस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड प्रीडिक्टेटिंग हाउ द अदर पर्सन विल रिएक्ट, और इन द केस ऑफ अवर रिसीविंग फीडबैक वी नीडेड टू अंडरस्टैंड वेज दैट वी रिस्पॉन्स टू फीडबैक, स्पेशली थ्रेटनिंग फीडबैक। फीडबैक का जो एक प्रोसेस है इसमें इन्वॉल्व होती है वो तमाम प्रिडिक्टिव एलिमेंट एंड अदर रिएक्शन जो कॉजेज बनते हैं रिसीविंग ऑफ फीडबैक। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझने की ज़रूरत है रिस्पॉन्स टू फीडबैक स्पेशली थ्रेटनिंग फीडबैक, कि जो रिसीवर हमें फीडबैक दे रहा है उस फीडबैक के बिहाइंड द रीज़न कॉजेज क्या है। उनकी अंडरस्टैंडिंग के बगैर कभी फीडबैक कंस्ट्रक्टिव साबित नहीं हो सकता। पीपल ऑफन रिएक्ट नेगेटिवली टू थ्रेटनिंग फीडबैक। दिस रिएक्शन कैन टेक अ नंबर ऑफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग। अक्सर लोग जो है नेगेटिव फीडबैक को अपने लिए थ्रेट समझते हैं और ये उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है, ये सेंडर रिसीवर दोनों के लिए खतरनाक होता है, और यही वजह है कि वो अपने इस फीडबैक के अंदर जो है वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सेलेक्टिव रिसेप्शन एंड सेलेक्टिव परसेप्शन। अगर आपकी जो है परसेप्शन सेलेक्टिव होगी तो आपका सेलेक्टिव परसेप्शन की बुनियाद पर आप जो है नेगेटिव फीडबैक को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं होगे। डाउटिंग मोटिव ऑफ द गिवर, जो फीडबैक फराहम कर रहा है अगर आपको उसके मोटिव पे जो है शक हो कि उसका फीडबैक देने का मकसद आपकी इम्प्रूवमेंट है या आपको आपकी पर्सनैलिटी को वीक करना है, तो ये भी एक एलिमेंट है। डिनाइंग वैलिडिटी ऑफ द डेटा, और जब कभी कोई डिनाई करता है वैलिडिटी ऑफ द डेटा, यानी जो डेटा आपने कम्युनिकेशन के दौरान यूज़ किया है अगर वो डेटा वैलिड नहीं है तो ऐसे में भी आपको नेगेटिव फीडबैक का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट रैशनलाइजिंग, और अक्सर जो है ड्यूरिंग द नेगेटिव फीडबैक जो है रैशनलाइजिंग की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। अटैक द गिवर फॉर द डेटा, और जो है जो फीडबैक दे रहा है वो अटैक एज ए अटैकर ऑफ द डेटा, यानी डेटा से रिलेटेड अगर कोई उसको मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन है तो ये भी आपके लिए सबब बन सकता है नेगेटिव फीडबैक का। करैक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक, अब हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक फीडबैक। यू रोट थ्रू आउट द एनालिसिस ऑन द एडोरेंट सब्जेक्ट रादर देन यू हैव बीन डूइंग अ गुड जॉब लेटली। आपका जो फीडबैक है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि अगर फीडबैक स्पेसिफिक नहीं हुआ तो ऐसे फीडबैक का रिसीवर के लिए कोई फ्रूटफुल या कोई बेनिफिट हासिल नहीं हो सकेंगे। फीडबैक के अंदर स्पेसिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए, फीडबैक के अंदर स्पेसिफिकेशन जो क्वालिटी ऑफ फीडबैक को बढ़ाती है। टाइमली गिव फीडबैक एज सून एज पॉसिबल। एक्सीलेंट फीडबैक प्रेजेंटेड एट एन इनअप्रोप्रिएट टाइम मे डू मोर हार्म देन गुड। फीडबैक के लिए जो है टाइमिंग बड़ी अहम है, क्योंकि अगर एक वैल्यूएबल फीडबैक लेट दिया जाए तो उस फीडबैक से जो है खातिरख्वाह बेनिफिट हासिल नहीं किए जा सकते। थर्ड है डिस्क्रिप्टिव, गिव फैक्ट्स टॉक अबाउट योर ऑब्जर्वेशन रादर देन व्हाट यू डू कंक्लूडेड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ अदर।